दक्षिण भारत में इस साल पड़े सूखे की वजह से कॉफी के उत्पादन में करीब 5.3% की गिरावट का अनुमान है, जो साल 2009-10 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इस गिरते उत्पादन से कॉफी के दामों पर असर पड़ेगा और कॉफी पैदा करने वाले किसानों को भी माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत में कॉफी उत्पादन में करीब 5.3% की गिरावट आने की संभावना है। कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एमएम चेंगप्पा के अनुसार भारत में कॉफी का उत्पादन 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में 3,16,700 मिलियन टन से गिरकर 3 लाख मिलियन टन पर आ जाएगा, यानी करीब 5.3%, जिसमें अरेबिका कॉफी के उत्पादन में 6.4% और रोबस्टा कॉफी के उत्पादन में 4.7% की गिरावट होगी, जो देश में 97% कॉफी उगाते हैं। 2017-18 के कॉफी उत्पादन के आंकड़े 2009-10 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि 2013-14 में भी इन आंकड़ों में गिरावट देखी गई थी और कॉफी उत्पादन 3,04,500 मिलियन टन पर आ गए थे, पर 2017-18 में करीब 5.3% गिरावट का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके पीछे के कारण देखें तो मार्च से अब तक कम बारिश होना है। भारत में कॉफी का कुल व्यापार लगभग 5,534 करोड़ का है और लगभग 6,32,000 किसान इसके उत्पादन से जुड़े हैं। कॉफी के साथ साथ दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन पर भी सूखे का असर खराब पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।